Assalamu alaikum. Dear student, today we are going to start a new class of phylum Arthropoda. This is class Arachnida. In previous lecture, we have discussed general characters of phylum Arthropoda as well two subphylums of phylum Arthropoda. It was subphylum Trilobitomorpha and subphylum Calicerata. Subphylum Calicerata की एक क्लास Malacostraca को हमने पहले डिस्कस किया था, आज हम सेकेंड क्लास को डिस्कस करने चाह रहे हैं एंड दिस क्लास इज Arachnida. स्क्रीन पे जो आपको ऑर्गेनिजम्स नजर आ रहे हैं, बोथ ऑर्गेनिजम्स आर बिलोंग टू क्लास Arachnida. दे डू नॉट हैव एनी एंटीना बट दे कंटेन फोर लेग्स, फोर पेयर ऑफ लेग्स. इट मीन्स फोर लेग्स प्रेजेंट ऑन ईच साइड ऑफ द बॉडी. अब अगर हम सबसे पहले ये बात करें कि विच ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन दिस फाइलम, इट कंटेन एक्चुअली ticks, mites, spiders and scorpions. इनमें से some are beneficial and some are harmful. अगर हम इनकी evolutionary history की बात करें, different zoologists studied these organisms and they said subclass that we have discussed in previous lecture Eutyrida. Eutyrida से इन organisms की evolution हुई है, ठीक है. And according to zoologists, they said these organisms were in abundant during Carboniferous period as well in Silurian period. Previous lecture में हमने discuss किया कि Arthropoda are the most successful organisms due to presence of exoskeleton. It means class Arachnida is also belong to phylum Arthropoda. So their animals also have exoskeleton. अब जो इनका एक्सोस्केलेटन है, ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है. फॉर एग्जांपल, इट विल हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन एंड इट इनेबल द ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव इन ड्राई कंडीशंस. क्योंकि अगर एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होगा तो इनकी जो बॉडी है वो, इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो वाटर को बाहर इवेपोरेट नहीं होने देगा और उसके लिए इम्परमिएबल के तौर पर काम करेगा और बॉडी को हेल्प करेगा सर्वाइव करने में. अब इन ऑर्गेनिजम्स ने बिफोर मूविंग टू लैंड दे डिड सम प्री एडॉप्टेशंस एज वेल एडॉप्टेशंस. डियर स्टूडेंट, बोथ टर्म्स आर एग्जैक्टली ऑपोजिट, एक्चुअली एग्जैक्टली डिफरेंट, नॉट ऑपोजिट. प्री एडॉप्टेशंस का मतलब होता है कि अगर आप किसी ड्रास्टिक कंडीशन में जाने से पहले ही अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर लेते हो, दिस विल बी प्री एडॉप्टेशन. एंड एडॉप्टेशंस मीन कि आप उस कंडीशन में हो जो कि आपके लिए ड्रास्टिक है, आप उस कंडीशन में अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर्स को, उसके फंक्शंस को उस कंडीशन के मुताबिक करते हो ताकि आप अपनी बॉडी को उस कंडीशन से निकाल सको और आप सर्वाइव कर सको. इसको हम एडॉप्टेशन कहेंगे, ठीक है. सबसे पहले हम Arachnida की फीडिंग की बात करते हैं. सम ऑर्गेनिजम्स आर कार्निवोर, इट मीन्स दे फीड ऑन डिफरेंट एनिमल्स. अब ये कार्निवोर है, इसका मतलब है दूसरे एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं. तो यहाँ पे आपको मैं दिखाती जाऊँ ड्रामेटिकली, दे हैव अपेंडिज, इट इज कॉल्ड कैलिसेरा. दिस कैलिसेरा हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू कैप्चर दैट ऑर्गेनिज्म ऑन विच इट विल फीड, ठीक है. इस अपेंडिज से ये प्रे को कैप्चर करेगा और इसके गट से इंजाइम्स रिलीज हो जाएंगे. अब इसकी जो गट है उसके तीन मेजर पार्ट्स हैं. द फर्स्ट इज फोर गट, द सेकंड इज मिड गट एंड द थर्ड इज हाइंड गट. इसके जो फोर गट है ये मस्कुलर फेरिंग्स के तौर पे काम करती है जो कि इंजेक्ट होती है प्रे के अंदर एंड इट विल रिलीज डिफरेंट एंजाइम्स टू डाइजेस्ट द फूड. देन इट विल कैप्चर द फूड एंड इट विल मूव इन मिड गट. मिड गट में यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगी. मिड गट जो है ना इसकी, ये एज अ इंटेस्टाइन के तौर पे काम करेगी. फोरगट जो है इसकी जो वो स्टमक के तौर पे काम करेगी, ठीक है. और इसके आगे जो है वो फेरिंग्स होती है. अब जो इंटेस्टाइन है, वी नो दैट कि इंटेस्टाइन में फूड की एब्जॉर्प्शन होती है. एब्जॉर्प्शन होने के बाद हिंडगट में जो है जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एनस के जरिए बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है. सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट देयर गट इज दैट फोरगट में और हाइंडगट में देयर इज अ आउटर क्यूटिकल, जबकि मिड गट में कोई भी आउटर क्यूटिकल प्रेजेंट नहीं होती. इसकी रीजन ये है कि मिड गट में एब्जॉर्प्शन होनी है इसलिए इसमें कोई भी क्यूटिकल प्रेजेंट नहीं है, जबकि फोर गट में भी बाहर आपको ब्लैक में नजर आ रही है दिस इज अ क्यूटिकल और हाइंड गट में भी एक क्यूटिकल नजर आ रही है. अब अगर हम इसको रीड करें तो लिखा हुआ है कि गिल्स जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सेक्रेट करते हैं, ठीक है. डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सेक्रेट करने के बाद जो है वो प्रे के ऊपर पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं और उसके बाद वो माउथ में जाती है. कुछ इंजाइम्स जो हैं वो फैंग जो हैं उसकी होलो फैंग्स में भी रिमूव होते हैं,
ठीक है, उसके बाद इसकी जो गट है उसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है. द फर्स्ट वन इज फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट. ठीक है, फोर गट जो है ये मस्कुलर फेरेंक्स है. उसके बाद हाइंड गट जो है ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में हेल्प कर रही होती है. और इसकी जो मिड गट है इज नॉट कवर्ड विद क्यूटिकल, जो कि हमने पहले बात की कि हाइंड गट एब्जॉर्प्शन का काम करी है, मिड गट जो है वो क्यूटिकल से कवर नहीं होती है क्योंकि ये एब्जॉर्प्टिव और सेक्रेटरी सेल से इसकी लाइनिंग होती है और जो है सरफेस एरिया को भी ये इंक्रीज करने में हेल्प कर रही होती है. ठीक है, उसके बाद हम इसकी एक्सक्रीशन की बात करते हैं. तो एक्सक्रीशन जो है ये दो तरीकों से करती है, पहली है कॉक्सल ग्लैंड और दूसरी है मालपिजन ट्यूब्यूल्स. डियर स्टूडेंट, जो कॉक्सल ग्लैंड्स हैं ये है फॉर एग्जांपल एक एरेकिनिड की डायग्राम. इसमें जो इसकी लेटरल साइड है यहाँ पे इसके कॉक्सल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये उसकी क्या है गट है, यहाँ पे डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होंगे. उसके एब्डोमेन है, यहाँ पे डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होंगे. मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के रिजल्ट में वेस्ट प्रोडक्ट भी सेक्रेट होगा. अब जो इसके कॉक्सल ग्लैंड्स हैं दे विल एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी और यहाँ पे जो अपेंडिजेस होते हैं और इस पोर्स के जरिए बॉडी से बाहर रिमूव कर देते हैं. और इस तरीके से जो कॉक्सल ग्लैंड्स हैं वो बॉडी में डाइजेस्टिव वेस्ट को रिमूव करवाने में हेल्प कर रहे होते हैं. द सेकेंड वन इज मालपिजन ट्यूब्यूल्स. अब ये जो मालपिजन ट्यूब्यूल्स हैं दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन मिड गट एंड हिंड गट. ठीक है, ये जो आपको स्ट्रक्चर्स नजर आ रही हैं दीज आर मालपिजन ट्यूब्यूल्स. और ये जो मालपिजन ट्यूब्यूल्स हैं ये इसकी डाइजेस्टिव वेस्ट को रिमूव करवाने में हेल्प कर रही होती हैं. ऑलवेज कीप इन माइंड देयर इज द फर्स्ट फाइलम इन विच डाइजेस्टिव सिस्टम इज एसोसिएटेड विद एक्सक्रीटरी सिस्टम. ठीक है, उसके बाद इनके गैसेस एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो इनके जो गैसेस एक्सचेंज है वो इनके लंग्स के जरिए होगी अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो टेरिस्ट्रल है तो. और अगर कोई ऑर्गेनिज्म इनका वाटर में है तो वो गिल्स के जरिए काम करेगा. अब इनकी जो गिल्स हैं वो बुक की तरह के नजर आ रहे होते हैं इसलिए हम इनको बुक लंग्स कहते हैं. और ये हमेशा वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होते हैं और इनकी लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स को लैमिला कहा जाता है. और कुछ जो हैं वो किसके जरिए सेक्रेशंस करते हैं, बुक लंग्स के जरिए रेस्पायर करते हैं. और कुछ इसके मेंबर्स जो हैं वो ट्रैकियल सिस्टम के जरिए भी रेस्पायर करते हैं. ट्रैकिया एक्चुअली एक खोखली ट्यूब्स होती है जिसकी ओपनिंग जो है वो स्पायरेकल्स के जरिए होती है. स्पायरेकल्स के जरिए अपनी गैसेस एक्सचेंज में हेल्प कर रहे होते हैं. अब अगर हम इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनका जो डॉर्सल साइड है, जो डॉर्सल ब्लड वेसल है, इट एक्ट एज अ हार्ट. अब ये जो हार्ट है, जो ब्लड वेसल है, ये बाद में ब्लड वेसल्स में, कैपिलरीज में और वेन्स में डिवाइड हो जाएगी. और जो हार्ट है, डॉर्सल ब्लड वेसल, ये बॉडी को ब्लड सप्लाई करेगा. उसके बाद जो है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से हार्ट के पास आ जाएगा थ्रू सम पोर्स एंड दीज पोर्स आर कॉल्ड ओस्टिया. ऑलवेज कीप इन माइंड कि ये बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है कि आर्थ्रोपोडा में जो ब्लड वेसल है वेंट्रल ब्लड वेसल या डॉर्सल ब्लड वेसल एज अ हार्ट के तौर पे काम करती है. तो ब्लड वेसल जो डॉर्सल है वही हार्ट के तौर पे काम करती है. यहाँ पे ये जो ब्लड वेसल है डॉर्सल ब्लड वेसल ये हार्ट है, यहाँ से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में पहुंचाएगा और बॉडी से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन जो है वो हार्ट के पास आता है थ्रू सम पोर्स इट इज कॉल्ड ओस्टिया. फिर ये जो है वो लंग्स के पास भेजते हैं, वहां पे ऑक्सीजनेशन होती है, फिर अगेन हार्ट के पास आते हैं और फिर जो है ये बॉडी को दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. लेकिन इनका जो सिस्टम है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. इसके बाद अगर हम इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें दे आर डायोशियस और इनकी जो डेवलपमेंट है इट इज डायरेक्ट डेवलपमेंट. इसका मतलब है डायोशियस हैं बोथ सेक्सेस आर सेपरेट और इनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होगी. और जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कुछ ऑर्गेनिजम्स में स्पाइडर्स में कॉपुलेशन होती है जबकि बाकियों में कॉपुलेशन नहीं होती. और जो मेल हैं वो स्पर्म्स को रिलीज करते हैं सम पैकेट्स और उस पैकेट्स को जो स्पेसिफिक स्पीशी का मेंबर है फीमेल वो उसको रिकग्नाइज करती है ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन और अपने एग को रिलीज करती है और वहाँ पे इनकी फर्टिलाइजेशन होती है. और उसके बाद कोई लार्वा स्टेज यहाँ पे नहीं बनेगा, डायरेक्टली एक मिच्योर ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे प्रोड्यूस होगा.
दिस इज ऑल अबाउट क्लास एराकिनिडा. आई होप दिस लेक्चर इज हेल्पफुल फॉर यू. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. स्टे कनेक्टेड फॉर मोर लेक्चर्स. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.